माँ वैष्णो देवी की गुफा में हम जाने वाले हैं और गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। उसके पहले का वीडियो को दिखा रहे हैं, इसके बाद में गुफा के इस तरफ से निकास है, उस तरफ से निकलेंगे, गुफा के अंदर चल के दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखें कम्प्लीट, ठीक है। गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। आपको गुफा के अंदर दिखाएंगे पूरा एक एक चीज़ करके, ठीक है। वो अगर आपको देखना है तो बस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी की गुफा के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं शांत हो जाता हूँ तो यहाँ पे आपको भजन सुनाई देंगे। और तेरे के कितना मस्त लग रहा है, कितना भव्य सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। और बस आप देखें ये दोस्तों, YouTube पे बहुत कम लोगों ने दिखाया है। अगर दोस्तों आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी हैं गुफा के अंदर ही, और ये देख सकते हैं यहाँ पर कायदा भजन बज रहे हैं। वाह दोस्तों, अगर आप हिंदू सांस्कृतिक धर्म से हैं तो वीडियो को ज़रूर अपने हिंदू भाइयों तक पहुँचाएँ और आप ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर आप कोई अच्छा लगे तो आप स्वयं यहाँ आकर के देख सकते हैं। ये है मथुरा वृंदावन में है, ये वृंदावन में प्रेम मंदिर के पहले है माँ वैष्णो देवी की बहुत भव्य और ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों आप दर्शन करें और माँ दोस्तों मैं आपको बारी बारी सब कुछ दिखाने वाला हूँ, एक एक मंदिर दिखाने वाला हूँ। हालांकि आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें बस। हालांकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है, ये है सेल पुत्री, ठीक है, ये पुत्री है। और आप यहाँ देख सकते हैं अब आ गया है, ये पूरा नव दुर्गा का है। ये है ब्रह्मचारिणी, ये ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रह्मचारिणी। अब यह है चंद्रघंटा, चंद्रघंटा के आप दर्शन कर सकते हैं। ये नव दुर्गों के लिए पूरी गुफा में बना हुआ है अंदर, ये नव ये देखो आप चंद्रघंटा। इसके बाद आएगा कूष्मांडा, आप कूष्मांडा माता के दर्शन करें। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और बस अब दोस्तों हम निकलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं महागौरी जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये है अब दोस्तों नव दुर्गा का दर्शन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। बिल्कुल नौ माताओं का दर्शन आपको वीडियो में दिखाया। दोस्तों आप जरूर कमेंट्स करें और जय माता दी लिखें। और अब इसके बाद आती है बाबा भैरव जी की, तो भैया इनका भी कर लो क्योंकि माता वैष्णो देवी ने इनको वरदान दिया था कि जो हमारे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो भैया इसका जरूर करो। और ये हैं भैरव बाबा, ये भी बाकायदा खड़ांग पहने हैं और इनकी सवारी भी आप पे क्या है भैया, आप देख लो खुद और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये क्या है, इनकी सवारी क्या है। और ये तो खतरनाक है बहुत, ठीक है। तो उनके दर्शन करें और जो कमेंट्स में जय माता दी जय भैरव बाबा नहीं लिखेगा उन्हीं का मनोकामनाएं पूरी होने में दिक्कत है, आप ज़रूर करें और लिखें। और इनके जो सवारी है वो भी बहुत खतरनाक समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इनके दर्शन करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको कमेंट्स में लिखने का बता देता हूँ कि भैरव जी के शरीर का रंग श्याम है, इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल खड़क खप्पर और नरमुंड धारण करते हैं। इसका वाहन स्वान मतलब कुत्ता है। इनकी वेशभूषा लगभग शिवजी के समान है। शरीर पर भस्म मस्तक त्रिपुंड बागंबर धारण किए हैं। गले में मुख माला सर्पों के शोभा में रहते हैं। भैरव जी शमशानवासी हैं, ये भूत प्रेत के योनियों में आधारित हैं। श्री भैरव जी की प्रसन्नता के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्य पूजा तथा उपासना से संतुष्ट होकर भक्तों पर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर करें। ये है स्कंद माता, स्कंद माता के दर्शन करें यहाँ।
साथ है कात्यानी, ये कात्यानी बताया, ये है कालरात्रि, कालरात्रि कर सकते हैं। ये है महागौरी, ये बहुत ही भव्य प्रतिमा लग रही है, गाय के ऊपर सवार हैं महागौरी जी, आप देख सकते हैं।